हेलो जी, व्हाट्सअप गाइस, हैम के वी गोरी और वेलकम बैक हो गया आपका नजर ब्लॉग में। और मैं लेट हो गया हूँ यार चर्च से पहले, और रजा खड़ा हुआ है भाई, आपको नज़र आ रहा है। आजा आजा आजा, रजा को बुला रहे। और सबसे पहले यार सबको आज का दिन मुबारक हो, मदर्स डे, सब लोगों को मुबारक हो यार, स्पेशल दिन है। और मैं लेट हो रहा हूँ थोड़ा, चर्च से आपको आवाज़ आ रही है, मैं चर्च के बाहर ही खड़ा हूँ। और सबसे पहले चर्च से आते हैं, प्रे करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी गाइस, तो चर्च हो गया है कंप्लीट और चर्च से हम लोग फारिग हो गए, और बाकी सब जो है ना अभी चर्च से बाहर आ रहे हैं। और ये रजा भाई और हमारे जॉन साहब खड़े हैं। आ भी रजा भाई, चाल चाल है, हैप्पी मदर्स डे बोल दो यार जरा हमारे। देखिए वो मेरी माँ के लिए आ रही मदर्स डे। क्या बात है भाई, कोई केक शेक नहीं काटा? अच्छा अपना। जी गाइस, तो अभी पप्पू के घर पे जा रहे हैं और एक मीटिंग ज़रा रखवाई है यार, फार्म हाउस के लिए हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे ना, तो अभी सब इकट्ठे हैं चर्च के बाद, पप्पू के घर पे जमा हो गए, तो अंदर अभी मीटिंग होगी और फिर प्लानिंग होगी कब जाना है, कैसे जाना है, क्या सिस्टम है। और ये रजा भाई हमारे, और ये भाई बच्चा आप चेक करो, माशाल्लाह यार। रजा भाई, इसकी आँखें किस पे गई और किसका बच्चा है भाई? हमारे पास साहब के बेटे के हिस्केल का बेटा है, पास साहब के बेटे का बेटा है, माशाल्लाह। जी गाइस, तो घर पे मैं आ गया हूँ, चर्च से भी आया हूँ और मीटिंग भी हमारी हो गई। जैसे मैंने आपको बताया था, एक हमारा टूर बन रहा है पिकनिक का, उसकी प्लानिंग हो रही थी। और आज नाश्ता हमारा यार लेट हो गया, अभी नाश्ता वगैरह तैयार हो रहा है, आप देखें पराठे वगैरह बन गए, और बस अभी नाश्ता करेंगे। आज जो है ना घर पर काफ़ी ज़्यादा मेहमान सुबह से आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि अम्मी की तबीयत दो दिन से ख़राब है, बीपी का इशू है और शुगर भी काफ़ी हाई है, तो आप अम्मी के लिए दुआ करें। अम्मी की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, अम्मी हेलो कर दें ज़रा, तो आप अम्मी के लिए दुआ करें कि तो तंदुरुस्त हो जाए। और आज मदर डे भी है, लेकिन अम्मी थोड़ा सा मूड ऑफ है, आप देख लें भाई। तो जैसे अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर होती है तो देखते हैं कुछ केक वेक कटिंग करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे शाम में, अगर थोड़ी सी बेहतर होती है तबीयत तो फिर। और इंद्रियाज भी भाई नाश्ता कर रहे हैं, इंद्रियाज आज लेट हो गए नाश्ते में, बहुत लेट हो गया आज, गैस नहीं आ रहा था, फिर सुबह से मेहमान आ रहे हैं, हाँ लेट हो गए। सही है, क्या नाश्ता हो रहा है भाई? अंडा पराठा जी, लग रहा है फेवरेट है। हाँ जी जी, रोज़ यही मैं खाता हूँ। ओह क्या बात है भाई, ज़बरदस्त। संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, क्या बात है भाई, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। तो अभी हमारा भी नाश्ता आ जाता है, लेकिन मैं अंडा नहीं खाऊँगा, मुझे क्या कुछ सालन पड़ा हुआ है घर पर, हाँ हलीम, हाँ भाई पराठे के साथ हलीम, हलीम कल हमने बनाई थी हलीम, तो अभी पराठे के साथ गर्मा गर्म हलीम खाएंगे, और हलीम के साथ गर्मा गर्म पराठा, इसका मज़ा ही कुछ और होगा। तो जल्दी से ले आओ, अभी हम लोग नाश्ता करते हैं। एक तो अम्मी की तबीयत आज ख़राब है, बेहतर नहीं हो, और अरिशे ने जो है ना रोना धोना डाला हुआ है, तो अम्मी के पास अरिशे बैठ गई है। ये क्या कह रही है, इसको पता नहीं मच्छर वच्छर काट गए, हाँ तो अभी अम्मी को दिखा रही है और बोल रही है कि मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे खारिश वारिश करो, बस कभी मेरे पास हाथ लेके आ रही, कभी अम्मी के पास लेके जा रही है। ऋषि क्या हुआ है, क्या काटा है दिखाओ, हाँ ये मुझे लगा, हाँ ये देखो ये मच्छर काटा रात को, तो काफ़ी ज़्यादा ऋषि अभी अम्मी को भी तंग कर रही है, और बार बार मेरे पास भी आ रही है और अम्मी के पास भी जा रही है, तो ऋषि ने जो है ना रोना धोना लगाया हुआ। जी दोस्तों, तो फाइनली हमारा नाश्ता आ गया, पराठे दो पराठे, और साथ में हमारी आ गई है हलीम, और ये हमारा आ गया अभी चाट मसाला, इसके ऊपर अभी चाट मसाला डालते हैं और अपना नाश्ता करते हैं। बस ये छोटा सा व्लॉग था, अम्मी की तबीयत ख़राब है, वरना अभी केक वेक कटिंग करना था, सेलिब्रेशन जो भी था मदर डे की वो करनी थी, लेकिन शाम तक देखते हैं, अगर अम्मी की तबीयत बेहतर होती है तो फिर कुछ करेंगे, तो बाकी कल ही व्लॉग आएगा फिर, अगर कुछ करेंगे भी तो। आज का छोटा सा व्लॉग था, तो आज का व्लॉग यहीं तक था, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।